हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ये देखिए शाम के टाइम मैं गार्डन में आ गई हूँ। मेरे को कुछ अता पता नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं है, पर काम बहुत है गार्डन में। तो आपको मैं बताऊं, ये देखिए इसमें डहेलिया के बर्ड्स बनते ही जा रहे हैं कि पूरी खिल जाएं, तो फिर मैं इनको सेपरेट करूं। और एक चीज़ और, थोड़ा अंधेरा हो गया है, दिख भी नहीं रहा है। ये देखिए ये वाला प्लांट, क्या ये टोरेनिया का है? आप ध्यान से देखिए, इनको भी पता हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इसको संभाल लूँगी। क्योंकि टोरेनिया के प्लांट मेरे गार्डन में एक बार आए थे, पर मैं घर चली गई और बच्चों ने पता नहीं ओवर वाटरिंग किया, क्या किया, वो प्लांट ख़राब हो गया। और डहेलिया के देखिए, एक हेल्दी सा प्लांट ये भी रेडी हो गया है। देखिए इसमें बल्ब रह गए थे, तो इसके बल्ब को भी निकाल के सेपरेट करना है। ये सब चीज़ें देख रही हूँ, और आपसे भी बोलूँगी कि पीले पत्ते, आजकल पीली पत्तियाँ बहुत हो रही हैं प्लांट्स पे, जो कीड़े मकोड़ों के काम को आसान कर देती हैं। तो कुछ भी आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ तक हाथ जा रहा है थोड़े थोड़े करके आप पीले पत्तियाँ ज़रूर हटा दीजिए, ये प्लांट्स की ड्यूटी को तो ख़राब करते ही है। कीड़े मकोड़ों के लिए भी ये अटैक करने के लिए एक रास्ता बना देता है। तो मैं यही करती हूँ। और ये देखिए, पहले तो आप देखें कि चंपा के ढेरों प्लांट हैं मेरे घर पे, ढेरों। ये देखिए, इधर देखिए, जगह जगह मैंने लगा रखा है, क्योंकि इसकी कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है। तो ये दो प्लांट और मेरे लग गए हैं। देखिए इनको मैं कोई बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई थी, जब हम कटाई छटाई करते हैं तो ये टहनियाँ निकल जाती हैं, पत्तियों सही थी मैंने इसमें, इसको दबा दिया था। तो देखिए, तो इनको तो मैं अपने गार्डन में अब बड़ा प्लांटर नहीं देने वाली, मैं किसी अच्छे लोगों को गिफ्ट कर दूँगी, पर उन्हीं को करूँगी जो इनकी कदर कर सकें। पर गिफ्ट के लिए सारे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई प्लांट है तो छोटे से ही प्लांटर में आप रहने दीजिए, तो मैं वही करूँगी। और कटाई छटाई करके मैं गमलों में जो अपने गार्डन वेस्ट डालती जाती हूँ उनको देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि इस वाले प्लांट, गौरी चोरी प्लांट को अभी मेरी पॉट कर दूँ, ताकि मैं थोड़ी मिट्टी भी मिल जाए, और नीचे कचरे भर दूँ, काउडंग भर दूँ। और एक ये बोगनविला है वाइट कलर का, ये ठीक से ग्रो नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी रिपोर्टिंग करने की सोच रही हूँ। तो यही सब है। अब देखिए, मैं भी अगर रिपोर्ट कर लेती हूँ तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कितना सुंदर सा खिला हुआ है फ्लावर। तो चलिए फिर मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये गौरी चोरी के प्लांट को यहाँ से निकाल लिया है, और ये देखिए इन सबको मैं हटा लूँगी। और ये कचरे हैं, काऊ डंक हैं, इन्हीं सबको भर के थोड़ी थोड़ी मिट्टी मेरे को इन्हीं रिपोर्टिंग से मिल जाती है, बस उसी से मैं काम चला रही हूँ। मेरा काम मिट्टी की वजह से भी रुका हुआ है, अभी बारिश में मेरे को मिट्टी मिलेगा भी कहाँ से। तो चलिए फिर इसको करती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें सूखे पत्तियाँ, कचरा, ये सब भर लिया है। और इसकी जो जड़ें निकली जिनको मैंने कट किया, वो भी मैंने डाल दिया है। और इसमें देखिए, इस बोरी में है मेरे एक काऊ डंग और किचन वेस्ट, उसको भी मैं थोड़ा इसके ऊपर डालूंगी, फिर ये मिट्टी डालूंगी, फिर इसके ऊपर इसको लगा दूंगी। तो
रिपोर्टिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हमारे प्लांट्स को, और यही रीज़न है। और एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है, मैं कर लेती हूँ, इसके लिए लापरवाही नहीं करती हूँ। इतना बड़ा गार्डन है, आप एक दिन में चाहोगे कि पूरे प्लांट की रिपोर्टिंग हो जाए तो नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे मेरे को जो भी समझ में आता है, और कितने ऐसे हैं जो तो सालों से पड़े हैं मेरे, जिनकी रिपोर्टिंग हो ही नहीं पा रही है। तो अब मैं इसमें काउडंग डाल के, इस मिट्टी डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी, काफ़ी अंधेरा हो गया है। अब देखते हैं मैं बोगनविलकी कर पाती हूँ कि नहीं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। शाम को काम करते करते अंधेरा हो गया, चलिए दिखाती हूँ। मैंने बोगनविलकी भी रिपोर्टिंग की, तो अंधेरा हो गया तो नहीं दिखा पाई रिपोर्टिंग करके, मैं चली गई नीचे। देखिए मेंडोविला, बालसम बहुत सुंदर से खिलने लगे हैं, और ये ग्रीन पत्तियों के बीच में ये पिंक कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत सारे इसके सेड आते हैं, लेकिन ये पिंक वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए रोज़, आप देख सकते हो मल्टी पेटल में है। तो ये रहा वो प्लांट जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की, और दूसरा प्लांट ये रहा बोगनविला। देखिए पूरी ग्रोथ रोक दिया था, अब पता नहीं ये ग्रो करेगा कि नहीं। इसकी रूट्स मैंने थोड़े थोड़े कट कर दिए, तो फिर अब देखते हैं। दो प्लांट की रिपोर्टिंग हो जाना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस फ्रेंड, आज की यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में ही हम लोग का तबीयत ख़राब हो रहा है, ये मेरे को समझ में आता है। गार्डनिंग तो हम कभी नहीं छोड़ सकते, पर शायद सुन के आप सबको बुरा लगे, लेकिन YouTube के चक्कर में बहुत सारा टाइम हमारा बर्बाद होता है। तो गार्डनिंग भी नहीं छोड़ूंगी, YouTube भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके पीछे परेशान नहीं रहना है। पूरा टाइम हमारा कमेंट्स के जवाब देने में चला जाता है, और जो भी हमारे वीडियो पे आते हैं उनके वीडियो में जाने में चला जाता है। ये फैक्ट बात है, घर पे और भी काम होते हैं, नेट पे हमको और भी चीज़ें देखने की इच्छा होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उसके लिए नेट बचता ही नहीं है। तो जो भी हो, अगर हमारा वीडियो किसी को पसंद आएगा तो देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, रिक्वेस्ट तो हम करते रहेंगे कि प्लीज़ कर लीजिए। पर अब मैं ज़्यादा इसके पीछे, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, बहुत सारा समय हमारा इसमें चला जाता है। तो बहुत लोग शायद मेरे इस बात से एग्री करते होंगे, और नहीं भी करते होंगे। तो ओके फ्रेंड, बाय।